हिस्ट्री ऑफ एनएलपी. हमारा जो एनएलपी है वो 1970 में आया है. आगे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैंटा क्रूज. ओके, यहां से आया. सैंटा क्रूज की एक यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया में. वहां पर जॉन ग्रिंडर एंड रिचर्ड ब्लेंडर, ये दो थे. रिचर्ड ब्लेंडर, सॉरी, ब्लेंडर वाज साइकोलॉजिस्ट. उनके एक फ्रेंड है जॉन ग्रिंडर, लिंग्विस्टिक थेरेपिस्ट है वो, मतलब बातों से के माहिर. अब इन लोगों ने कैसे इस चीज को इजाद किया, ये इंपॉर्टेंट है. ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि एनएलपी आई कहां से, कैसे आई, राइट? अब उन्होंने जब ये चीजें देखी, उनके पास जो स्टूडेंट्स आते थे, जो प्रॉब्लम्स आती थी, वो ये आती थी कि इतना सब कुछ सीखने के बाद, इतनी थेरेपीज करवाने के बाद, उन लोगों की प्रॉब्लम वही की वही रहती थी या वापस घूम के आ जाती थी. इट वॉज नॉट दैट कि एक बार करी और थेरेपी हो गई, भाई काम खत्म हो जाना चाहिए. जब थेरेपी होती किस लिए है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपीज ही होती है, तो फिर वो प्रॉब्लम बार बार आती क्यों है, बार बार उनको थेरेपीज क्यों लेनी पड़ रही है. फिर उन्होंने स्टडीज शुरू करी, उन्होंने बहुत सारे थेरेपिस्ट को स्टडी करना शुरू करा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक वर्जीनिया करके एक लेडी थी जो फैमिली थेरेपिस्ट थी, मतलब रिलेशनशिप थेरेपिस्ट, उनको स्टडी करना शुरू करा. उनके जो वो होते थे थेरेपी सेशंस होते थे, उनको अटेंड करना शुरू करा. और उन्होंने चीजों को समझना शुरू करा कि ये भाई क्या है, क्या ये चीज, कहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि हर थेरेपी में वही प्रॉब्लम है कि लोगों की प्रॉब्लम्स वापस आ रही है एंड दे आर कंटिन्यूइंग टेकिंग थेरेपीज थेरेपीज थेरेपीज. उसके बाद एक और थे वो फर्ट पर्ल करके, जो थॉट थेरेपिस्ट थे. थॉट मतलब आपके थॉट्स के ऊपर वो काम करते थे कि आपका थॉट बदल दो, तो आपका पॉजिटिव थॉट कर लो तो नेगेटिव हट जाएगा. लेकिन फिर वही की वही. उनसे भी कुछ अच्छी चीजें ली उन्होंने, फैमिली थेरेपिस्ट से भी ली. अब उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि हर एक चीज का एक पैटर्न होता है. यहाँ पर एनएलपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा. एनएलपी को बनाने में उनका इस पैटर्न को फॉलो करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रही कि अगर ये एक सिचुएशन आएगी तो इंसान ऐसे ही बिहेव करेगा. और अभी तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वो इंसान उस तरह से बिहेव क्यों करेगा, क्योंकि उसके एनवायरमेंट से उसने ये सब सीखा है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है, राइट? अब उन्होंने ये पैटर्न को समझना शुरू करा कि इंसान एक सिचुएशन में इसी तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, जबकि दूसरा उसी सिचुएशन में अलग तरीके से बिहेव कर रहा है. तो कहीं ना कहीं इस इंसान की प्रॉब्लम है. फिर उन्होंने इस पैटर्न को तोड़ना शुरू करा, जो हम आगे हम भी करेंगे, ये काम हम भी करने वाले हैं. सबके इंडिविजुअल जो पैटर्न्स हैं उनको ब्रेक करके उनको डिलीट करेंगे और फिर उसके बाद नए पैटर्न्स डालेंगे, ठीक है? तो ये करते हुए उन्होंने अपनी एक ग्रुप, सबसे फर्स्ट बुक जो एनएलपी की है, अगर आप लोग कभी पढ़ना चाहें तो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी. दैट वॉज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक. ये मिस्टर रिचर्ड ब्लेंडर एंड जॉन ग्रिंडर ने ही लिखी है. तो ये आपको बुक, फर्स्ट बुक ऑफ एनएलपी है वो. अब इन लोगों ने क्या किया, उसके बाद इन लोगों ने लोगों को मॉडलिंग करना शुरू करा. पहले तो उन्होंने उनके पैटर्न सीखे, जितने भी थेरेपिस्ट थे उनके पैटर्न सीखे कि भैया ये किस तरह से आगे फॉर्मुलेट करते हैं चीजों को, कैसे करते हैं. अब उन्होंने उन्हीं को अपना मॉडल बना लिया. अब उन्होंने क्या किया, उनके पास जाते थे और उनको बोलते थे कि आपके पास कौन सा ऐसा मुश्किल केस है, आप हमें बताओ, हम इसका इसको एक मिनट में ठीक कर देंगे. दैट्स अ बिग थिंग ऑब्वियसली. आप जिनसे सीख रहे हो आप उन्हीं के पास जाके बोल रहे हो कि जो आपके लूज केसेस हैं आप वो हमें दे दो, हम ठीक कर देंगे. ऑब्वियसली थोड़ा अजीब सा है, बट दे डिड दैट. और वो वहीं पर उन्हीं के सामने उनके पैटर्न्स को ब्रेक करके नए इम्प्रिंट्स डालकर उनकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं सॉल्व कर देते थे वंस फॉर एंड ऑल. इंटरेस्टिंग, राइट? तो इस तरह से ये जो एनएलपी है ये
आगे बढ़ता गया और भी पैटर्न्स इसमें आते गए, उन्होंने और इसमें टेक्निक्स डालनी शुरू कर दी कि किस तरह से वो उसको आगे फॉर्मुलेट करते गए, और धीरे 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 इतनी सारी टेक्निक्स ले आए वो कि हर एक एस्पेक्ट आपकी लाइफ का उससे सॉल्व हो सकता है, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम। इसके बहुत सारे मेरे पास खुद के पास एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो काउंसलिंग्स आती हैं उसमें मैंने कई लोगों का ऐसा देखा है कि स्टक्ड है, स्टक्ड एज इन कि बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, कहीं स्टक हो गए, नौकरी नहीं मिल रही है। कोरोना में तो बहुत हुआ कि जॉब छूट गई, अब क्या करें घर में, तो दे यूज टू कॉल देमसेल्फ्स लूजर। अब आप खुद सोच के देखो, एक इंसान ये बोले कि मैं एक लूजर हूं, सुनने में कैसा लगता है, राइट? अजीब सा लगता है ना, यू डोंट फील गुड। व्हाई लूजर यार, यू हैव योर फैमिली, यू हैव योर चिल्ड्रन, यू हैव अ हाउस टू लिव इन, आप अच्छे से खा रहे हो, सिर्फ एक जॉब छोड़ने से आप लूजर कैसे हो सकते हो? दिस इज द माइंडसेट, राइट? है ना माइंडसेट, कि आप लूजर कैसे हो गए, आप बताओ ना। सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगा कि नहीं, ये थोड़ा सा एक इशू आ रहा है कि जो अपने आप को लूजर कह रहा है, मतलब वो पूरी तरह से एक डिप्रेशन मोड में जाने के थ्रेशहोल्ड पे खड़ा हुआ है बंदा, राइट? अब उसको वहां से कैसे निकाला, वो एक पैटर्न है इसका, एक टेक्निक है, वो भी मैं आपको आगे सिखाने वाली हूँ इसमें, ठीक है? कि किस तरह से हम ऐसे लोगों को बाहर निकाल सकते हैं, या हम कभी इस स्टेट में है या स्टेज में है कि हम अपने आप को बिल्कुल लूजर मान रहे हैं दुनिया में, कि हमारे मतलब कुछ भी नहीं बचा है, हमारे पास खत्म हो गया सब कुछ, तो उसको हम कैसे अपने ही आप उसको इम्प्रूव कर सके, ठीक है? तो नाउ आई थिंक सो हिस्ट्री तो आप लोगों को थोड़ी क्लियर हो गई होगी कि एनएलपी बहुत पुराना भी नहीं है, बट इट इज लाइक मोस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, टेक्निक है एक्चुअली बेसिकली। तो आप लोगों को इनके अब बता भी दिया जाए, दर्शन भी करा दिए जाए। एनएलपी के फाउंडर्स हैं ये दोनों, जिनकी अभी मैंने बात करी थी, जॉन ग्रिंडर और रिचर्ड ब्लेंडर, ये मेन फाउंडर्स हैं और ये अभी हैं, ठीक है? इनकी एक पूरी टीम हुआ करती थी, जो जैसे मैंने कहा ना, कुछ थेरेपिस्ट थे जिनके जिनको इन लोगों ने फॉलो किया। आई एम सॉरी, आई थिंक सो मेरा नेट थोड़ा स्लो है, तो मे बी एकदम से नहीं आ रहा है वो। तो ये कुछ हिडन पावर्स बिहाइंड है उनके, जिन लोगों की चीजों को उन्होंने देखा, समझा, उनके पैटर्न्स को समझा, और दीज पीपल हेल्प देम आउट इन क्रिएटिंग दिस ब्यूटिफुल टेक्निक।